यार ये क्या, तू तो लड़कियों की तरह रो रहा है। मतलब हमारा रोना भी लड़के का एक उसमें भी कैटेगराइज कर दिया कि ये तो लड़कियों की तरह रोता है। कोई भी महफिल होती है, मुशायरा होता है, कोई भी बड़ी ये इवेंट वगैरह होती है, तो वहां पे हर शख्स आकर माँ के ऊपर शेर पढ़ता है। बाप का दूर दूर से कोई जिक्र ही नहीं है। इक्का दुक्का शेर होता है, पर हर शायर आके माँ के ऊपर जरूर शेर पढ़ता है। ये वुमेन्स डे पे हर वेबसाइट अपनी तरफ से 20% ऑफ, ये मेट्रो में कुछ परसेंट ऑफ, बस में ट्रेवल फ्री। मेंस डे पे तो यार खैर लोगों को याद भी नहीं होगा किस दिन पड़ता है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ एक बहुत ही सेल्फलेस इंसान से, ठीक है? उसकी जिंदगी से मैं आपको थोड़ा रूबरू करवाता हूँ। 10th क्लास में ही तैयारी शुरू कर दो 11th 12th के बाद, क्योंकि आपको जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है 11th 12th में तैयारी चल रही है साथ साथ। 12th के बाद मेहनत करो एक अच्छे कॉलेज के लिए, एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद मेहनत करो एक अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छी नौकरी पे जाने के लिए सेविंग्स करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको एक पैकेज चाहिए। क्योंकि आप सब लोग जानते हो क्या ही मिलता है नौकरी के टाइम पे, जो शुरुआत में होती है 15-20-25 हज़ार, वहां से वो सीढ़ियां चढ़नी शुरू करो कि 70-80 हज़ार आप कमा सको ताकि कोई बाप आपको अपनी बेटी दे सके। उसके बाद शादी से 1 साल पहले सिर्फ उस 5 दिन के हनीमून के लिए अपनी जेब काटनी शुरू कर दो। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में 70-80% लोग जो पहली बार जिनका वो वीजा का ठप्पा लगता है ना, वो हनीमून का ही लगता है। और उसके लिए पता है एक लड़का, पता है 1 साल अपनी जेब काटता है उस सिर्फ 5 दिन की खुशी के लिए। पता ही नहीं चलता यार कब ये नए कपड़ों की मांग से हम कब ये आ जाते कि अच्छा ये कपड़ा फट गया तो थोड़ा सा रफू करवा लेते हैं। जब 30-35 की उम्र में जाते हैं ना, तब जाकर समझ आता है कि उस टाइम पे जब हम छोटे थे तो दिवाली के टाइम में पापा ने नए कपड़े क्यों नहीं लिए थे, और उन्होंने ये बात बोलकर टाल दी थी कि पिछले साल वाला भी तो नया ही है। ये बात अब जाकर समझ आई। कितना आसान होता है ना सिर्फ एक लाइन बोलना कि सुन तू रुक, मैं अभी अपने कपड़े फाड़ती हूं और पुलिस को बुलाती हूं। जाने कितने लड़के पूरी जिंदगी पता है अपना अपने आप को प्रूव करने में निकाल देते कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। पता है जाकिर भाई ने सही कहा था यार, मर्द को भी ना दर्द होता है, बस कोई पूछने वाला चाहिए। वी टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। पता है हम लोग ना फेमिनिज्म पे बात करते करते इक्वेलिटी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अबे तू तो लड़का है, तेरा क्या है, तू तो कहीं भी जाके मुंह मारना शुरू कर देगा। क्यों, क्या ये सवाल नहीं उठता हमारे कैरेक्टर पे, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे? प्लीज टेक केयर ऑफ द किड विच इज विद यू, बिकॉज फॉर द होल वर्ल्ड ही मे बी अ मैन, बट फॉर यू इट्स जस्ट अ किड। वो पता पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पर वो पता कहां आके टूटता है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि यार वो रो नहीं सकता, तुम रो लेती हो यार, तुम रो के बता देती हो कि मैं परेशान हूं। यार वो ना अंदर घुटता है, पता है वो अंदर घुटता है यार। थोड़ा सा ना कड़वा लगेगा, पर देखो सच है, मैं ये नहीं कह रहा, पर थोड़ा सा देखो कड़वा है ये यार। आप, मैं ये नहीं कह रहा आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनत कर रही हो, पूरा स्ट्रगल है आपका भी, 10th के बाद आप भी तैयारी कर रहे हो, पूरे आपके सपने, आप पूरी तरह से लगी हुई हो अपने सपनों को पूरे करने में, ठीक है, लगे हुए, मेहनत कर रहे हो। अगर बाई चांस आपको सक्सेस नहीं मिली तो यू हैव अ बैकअप कि यार कोई नहीं, मेरा बंदा कमा लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आज की लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं, देखो कहीं ना एक ये बैकअप है, ये सिक्योरिटी है कि यार मेरा बंदा कमा लेगा। पर पता है लड़के के पास ना कोई बैकअप नहीं है, ही हैज टू डू इट इन एनी केस। और यार इस मेरे छोटे से टॉपिक से, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे इस टॉपिक से मेरा कोई ये बताने का वो नहीं था कि लड़कियां कुछ नहीं करती, लड़कियों से ऊपर होते हैं लड़के, मेरा दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। मेरा मेरे लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है फॉर ईच एंड एवरी गर्ल, क्योंकि यार अपना परिवार छोड़ना ना किसी के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है। दो परिवारों को एक साथ खुश एक लड़की ही रख सकती है। काम करके अगर ऑफिस से वापस जब घर आए और घर पे सास की सुने, ससुर की सुने, अपने बच्चों की सुने और अपने आदमी की सुने, उसके बाद भी पूरे परिवार को
जोड़ कर रखे वो सिर्फ एक लड़की ही कर सकती है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हर लड़का कुत्ता नहीं होता है। नॉट एवरी मैन इज अ पर्वर्ट। टेक केयर ऑफ देम। और हाँ, हमेशा की तरह मुस्कुराना मत भूलना।